जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भाईचारे की बात करते हैं? MIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी का, वो भाईचारे की पार्टी। तो हमारा भाई है, हमारे लिए संसद में आवाज उठा रहा है, तो हम उसको देखेंगे ना। जो हमारे लिए नए हक उठा रहे हैं तो हम उनके लिए क्या देखेंगे। 2019 में आपने यहाँ पर MIM को 9000 वोट कर दिए थे। इस बार ज्यादा वोट आएगा, इंशाल्लाह जीतेगा इस बार। अच्छा, इस बार जीतेंगे। कैंडिडेट इधर से जीतेगा। अब माहौल टाइट चल रहा है, बटोगे तो कटोगे और महंत गिरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये नफरत ही फैलाई जा रही है इसके अंदर में। आज तक कौन बटा? ये मेरा भाई है मुकेश है। मुकेश है। मैं राजीव को, ये बबलू हुसैन है, ये सलीम है। MIM की तरफ थोड़ा सा सोच आ रहा है कि नहीं आप लोगों का? मतलब क्या लग रहा है कि अवैसी जो बोलते हैं संसद में हिला देते हैं? करते हैं अपन एकता नहीं है। अच्छा, वो आवाज लगा रहे हैं लेकिन अपन में एकता नहीं? अपन में एकता नहीं। वोट करने का सवाल है, दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए वोट कर दे। लेकिन अब विकल्प पैदा हो गया। अच्छा, अब विकल्प पैदा हुआ, कल तक का नहीं था लेकिन अब पैदा हुआ। क्या कह रहे हैं? मांगने वाला भी तो अपना जमीन नहीं बेचता लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपना जमीन बेच दी। दोस्तों, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है और इस बार जो है माहौल कुछ अलग तरीके से लग रहा है। जहाँ जहाँ पे भी रिपोर्ट करने वाले न्यूज चैनल जाते हैं वहाँ पे तमाम ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जो MIM को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करने की बातें की जा रही है। तो देखते हैं 20 नवंबर को क्या कुछ होने वाला है। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ जो महाराष्ट्र से निकल के आ रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे रिक्शे वाले, दुकान के जो काम करने वाले हैं, जो मालिक हैं, उनकी तरफ से जो है वीडियो जारी हुई है कि किस तरह से वो ओवैसी साहब को वोट देने की बात कर रहे हैं। क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि मुसलमान जो है किस तरह से बार बार धोखे पे धोखा खाता जा रहा है। कभी समाजवादी धोखा देती है, कभी कांग्रेस धोखा देती है, कभी तेजस्वी, कभी ममता, कभी केजरीवाल, हर तरफ से मुसलमान धोखा ही खाता है। इस बार लोगों ने ठान के रखा है कि ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। तो देखते हैं, इंशाल्लाह शायद इस बार ओवैसी साहब की कुछ ज़्यादा ही सीटें निकलें। तो आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए उनको और वोट ज़रूर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई गुरु मोहम्मद और आप देख रहे हैं रिएक्शन सुन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को देखते हैं, आप भी हमारे साथ जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो जनता है उससे हम बात करेंगे और जिस चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, इस चौराहे का नाम तो नहीं पता, क्या नाम है इस चौराहे का, नाम क्या है? नाम यशोधरा नगर चौक। क्या लग रहा है यहाँ पर? इस बार का लड़ाई तो काफी टफ देखा जा रहा है। नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, आप अपना बात रख सकते हैं। आप देखिए, वन मैन आर्मी, यानी आप लीडर हो, लीडर बन सकते हैं अगर अपनी बात रखते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है, इस बार की लड़ाई कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस, BJP, MIM, मतलब किस में देख रहे हैं? मैं सोचता हूँ MIM को दिया जाए वोट। MIM को क्यों? मतलब MIM को क्या बोलूं मैं आपको? हक में लड़ेगा, जो हमारे हक में खिलाफ आवाज उठाएगा, हम हक में जो आवाज उठाएगा उसी को हम देंगे ना। जो हमारा भाई है, हमारे लिए संसद में आवाज उठा रहा है, तो हम उसको देखेंगे ना। जो हमारे लिए नए हक उठा रहे हैं तो हम उनके लिए क्या देखेंगे। यहाँ से जो विधायक हैं, डॉक्टर नितिन राउत हैं जी, उनको आप लोगों ने चुनाव जिताया था? हमने जिताए, जल्दी आके झांकी भी नहीं मार के जाते। एक बार जब चुनाव आता है तब आते हैं। आप देख लीजिए, अभी नगर सेवक जितने भी लोग हैं, कहीं कहीं कम ज़्यादा रोड दुरुस्त हुआ है, कहीं कहीं हुआ भी नहीं है। एक बार पुलिया बना, जब से आए वनदेवी चौक नगर का उद्घाटन करके चले गए, दोबारा देखने तक के नहीं आए। अभी जा करके देख लीजिए, पूरा रोड उखड़ रहा है। अच्छा, जगह जगह पर पोस्टर लगाया जा रहा, बटोगे तो कटोगे, शायद सुना होगा आपने, बटोगे कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हाँ, इसका मतलब क्या असर पड़ रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में? इसका असर महाराष्ट्र में ये देखा जाएगा कि जो MLA हो या विधायक हो या नगर सेवक हो या सांसद हो, उनको ये देख करके वोट देना है कि जो सोचे जनता के बारे में। ये बटोगे कटोगे का मतलब कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। विकास के बात, विकास होना चाहिए और भाईचारे की बात होना चाहिए। अच्छा, भाईचारे। MIM का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भाईचारे की बात करते हैं? MIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी का, वो भाईचारे की पार्टी है। अच्छा जी, मतलब इस बार आप लोगों का रुख जो है वो MIM की तरफ? बिल्कुल,
बिल्कुल ऐसा तो नहीं जो मतलब इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद से मुंबई निकले थे, लाखों की भीड़ थी, उससे आप लोगों को नहीं बदला, उसी से बदला है शायद? नहीं नहीं, अभी देखिए उससे भी रुख बदला है, और इसके पहले भी हम चाहते थे कि हमारा भाई ही संसद पहुंचे, हमारा भाई विधायक बने, एमएलए जी। इसीलिए आप लोग एमआईएम के बारे में जी जी खुले मंच से बांटोगे तो कटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा दिया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग निकल भी रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं यार, बहुत बेकार हो रहा है, जो भी हो रहा है, राजनीति गंदी हो गई है। अभी 10,000 करोड़ पकड़ा है बोले सिंधिया का, बोले पैसा पुणे लेके जा रहा था या कहाँ। अच्छा, ये जो बटोगे कटोगा नारा दिया गया, क्या लगता है ये माहौल खराब कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल माहौल खराब हो रहा है, हर 2-4 महीने में ये चीज हो रहा है, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, विवादित बयान ज्यादा देने लगे लोग, हर 2-4 महीने में कोई एक उठ रहा है और कुछ भी बक रहा है, नबी की शान गुस्ताखी कर रहा है। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से मुंबई चलो का नारा दिए थे, क्या लग रहा है उससे भी कुछ एमआईएम की तरफ लोग जुड़ाव करने लगे क्या? बिल्कुल जुड़ेंगे ना, अच्छी बात है, जुड़ना भी चाहिए, जुड़ना चाहिए। हाँ। आपका जुड़ाव वही से एमआईएम से? एमआईएम मतलब आप लोग अब मतलब सोचने लगे कि अपनी एक पार्टी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है भाई, आप लोग भी सोचने लगे कि अपनी एक पार्टी होनी चाहिए? जो अच्छा काम करेंगे उसका मौका मिलेगा, इंसान के सोच से नहीं होता, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए उसके हिसाब से। जो कांग्रेस एमएलए हैं उन्होंने कुछ काम किया है, डॉक्टर नितिन रावत जी जो हैं, वो जनता देख रही है उनके सामने है क्या है नहीं, वो खुद समझ जाएंगे, खुद फैसला कर लेंगे, खुद कैंडिडेट चुनेंगे किसको क्या करना है, वो आपके सामने है। 2019 में आपने यहाँ पर एमआईएम को 9,000 वोट कर दिए थे, 9,000 वोट। इस बार ज्यादा वोट आएगा, इंशाल्लाह जीतेंगे इस बार। अच्छा, इस बार जीतेंगे, कैंडिडेट इधर से जीतेंगे, नागपुर से? हाँ इंशाल्लाह। मतलब इरादा बना लिए हैं कि नागपुर में इस बार एमआईएम को जिताना है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है चाचा, ठीक है? क्या नाम है? तसव्वर खान। तसव्वर खान, बड़ा माहौल टाइट चल रहा है, बटोगे तो कटोगे और महांत गिरी, अल्लाह के यार मरने को तो इंसान आए, वो उसके मौत से मरे या दुनिया के मौत से मरे, एक ही बात है, मौत तो मौत, मौत तो मौत ही है ना उसको। हाँ, लेकिन ये बटोगे कटोगे नारा मतलब नफरत का जितना बात की। तुमने जब से ये तुम्हारी भाजपा सरकार आई है, हाँ, जब से ये माहौल बना है, इससे पहले हमको आज 74 साल की उम्र हो गई हमारी, सब समाज सब मिल के एक जगह बैठे, एक जगह उठे, एक जगह पढ़े, एक जगह लिखे, हाँ, कभी ये बात आई नहीं। जब से ये सरकार आई तो यही नारे दिख रहे हैं, वहाँ पे बोले वो बहराइच में ये हो गया, वो जबरदस्ती जाके बहराइच में हिंसा हो गया, दंगा हो गया, दंगा हो गया, तो यही सब सुनने को मिल रहा है, ये कब से मिल रहा है? अच्छा, मैं मुझे सुनने को मिल रहा है यहाँ पर जो एमएलए हैं डॉक्टर नितिन राउत, उनसे बड़ा नाराज है लोग? नहीं नाराज ऐसा तो है ही नहीं कुछ, नाराज बोले तो नाराज का मूड जो है एमआईएम की तरफ हो रहा है, असदुद्दीन अवैसी की तरफ? नहीं नहीं, अवैसी ऐसा नहीं, देखो क्या है हर समाज, असदुद्दीन अवैसी चिराग जला पाएंगे दिल में आपके, जला रहे हैं कि जला नहीं पाएंगे? नहीं नहीं जला पाएंगे, ये तो देखो अब यहाँ जो 50 पार्टी है, अब अगर 50 में से 1 आदमी अगर निकलता है तो क्या कर लेता भाई, 150 को देखना है ना, तो आदमी दौड़ेगा उधर ही, इधर चालू जलती मशाल है, आदमी उधर ही दौड़ेगा, बंद गाड़ी में काहे को बैठेगा? आपको भी यही लग रहा है? एमआईएम का कुछ है? एमआईएम का तो क्या है क्या, अगर इसको वोट देते हैं तो 2019 में तो आप लोगों ने 9,000 वोट दिए थे, 9,000 वोट मिला था, और वो पहली बार बता रही हम लड़े थे, मैदान में आए थे, और अब तो उनको दूसरी बार हो रहा है, इनको वोट देते हैं तो डायरेक्ट इधर भाजपा चुन के आ जाती है। अच्छा, अगर आप एमआईएम को वोट करेंगे तो भाजपा आ जाएगी, इसलिए कांग्रेस को मजबूरी है, ये भी एक मजबूरी है। चुनाव आ गया है, माहौल देखा जा रहा है, आप टैक्सी ड्राइवरों का क्या हाल है, कुछ सुधार आया है, कुछ कमाई उमाई? कुछ सुधार नहीं है, कुछ सुधार नहीं है, मैक्सा बढ़ गई है, धंधे पूरे खत्म हो गए, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, महंगाई तो इतना हो गया कि लेडीज हम लोग को टोचने दे रही घरों में। अच्छा, टॉर्चर कर रही है। 200 रुपए तेल होगा अगर तो ड्राइवर अभी यहाँ बैठा है कमाएंगा क्या? अगर 200 रुपए लाया हो तेल में दे देंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? तेल थोड़ी पीना है, नहीं सभी 7 बजे से आगे बैठ रहे, बोनी नहीं हो रही है, 7 बजे से आप लोग आ जाते हैं फिर भी सवारियां नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये इसको क्या कहते हैं, ऑटो कहते हैं, ऑटो स्टैंड, मतलब ये ऑटो है। हाँ। तो 9 ऑटो यहाँ पर खड़े हैं और सब मतलब सुबह से आप लोग लाइन लगाए, लेकिन कुछ भी उद्धार नहीं, कुछ भी। बीजेपी सरकार में मतलब सब कुछ भी नहीं है यार। जबकि मुख्यमंत्री उतना वो सेंडे है, वो ऑटो चालक है, ऑटो चालक से मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी ऑटो वालों के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब हुआ ऐसा मुख्यमंत्री बन के। आजकल बटोगे कटोगे का नारा बड़ा चल रहा है, बटोगे कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये नफरत ही फैलाई जा रही है इसके अंदर में। आज तक कौन बटा, ये मेरा भाई है मुकेश है। अच्छा मुकेश है, ये मुकेश है, मैं राज्य को, ये बबलू हुसैन है, ये सलीम है, हाँ वो सनी है, सनी का क्या सनी है, तो क्या हम लोग इन लोग को मार रहे हैं कि ये हमको मार रहे हैं, मतलब आपसी भाईचारा है, लेकिन नेता लोग जो है अलग ही बयान देते हैं। जैसा कटेंगे बटेंगे ये बीजेपी में चालू है, मैं तो खुल के बोलूंगा ना, चोर नहीं हूं मैं, हमारे आगे नगर सेवक भी है। चुनाव आ गया है, बीजेपी कांग्रेस, अब उसमें गठबंधन की बात किया जाए, एनडीए, सीधे सीधे बात करते हैं, दो मिनट मैं सीधे सीधे बात करूंगा, एनडीए इंडिया गठबंधन, उसके बाद में अब एक तीसरा मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ से शायद उनका उम्मीदवार भी मैदान में उतरा, क्या लग रहा है? यहाँ से तो नागपुर से उतारे नहीं है बोलते ना वो, नहीं उतार दिए, मैं पूरा मेरे पास, यहाँ कैसा वोटों की बंटवारी होती है, यहाँ मुस्लिम एक तो एक भी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो मुसलमान के खिलाफ मतलब उद्धार कर सके इसके लिए। अच्छा MIM की तरफ थोड़ा सा सोच आ रहा है कि नहीं आप लोगों का, मतलब क्या लग रहा है कि ओवैसी जो बोलते हैं संसद में हिला देते हैं, करते हैं अपन एकता नहीं है। अच्छा वो आवाज लगा रहे हैं लेकिन अपन में एकता नहीं है, अपन में एकता नहीं है, वो आवाज लगा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है ना कटेंगे तो बटेंगे, वैसे मुसलमान में वही हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। 40 सीट ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां चाहे तो मुसलमान अपना विधायक चुन सकता है, MLA चुन सकता है, क्या कारण रहा है कि मतलब चुन नहीं पा रही है? तो बट गया है ना, हम बटे हुए ना, एकता नहीं है ना हमारे में। एक इम्तियाज जलील है, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है, वो चलो का नारा दिए थे, वो पार्टी लेवल से नहीं था ना, वो हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी इसलिए गए थे। आपके विधायक जी बोले थे, जो डॉक्टर नितिन राउत हैं, ये बोले थे? नहीं कुछ भी नहीं बोले उनने, स्पेच भी नहीं उनका किसी चीज पे। और नितिन राउत की बात करो तो उत्तर नागपुर के अंदर में उनके रहते में किसी प्रकार का सुधार नहीं है, किसी भी प्रकार का, उत्तर नागपुर को कचरा समझ लिया उनने। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कचरा है कचरा, क्योंकि बिना आप, मुझे लगता है बिना विकास के नाम पर आप वोट कर देते होंगे, डर के मारे बीजेपी को रोकना है। वोट करने का सवाल है, दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए वोट कर देते, लेकिन अब विकल्प पैदा हो गया। अच्छा अब विकल्प पैदा हुआ, कल तक का नहीं था लेकिन अब पैदा हुआ, कल तक का नहीं था। आज तो हमको अब सोच समझ के ही वोटिंग करना है। अच्छा विकल्प में कौन आ गया अब वो तो वक्त बताएगा, अंदर है असदुद्दीन ओवैसी है, हम समझ बताएगा, हम खुल के नहीं बताते क्यों? मन में असदुद्दीन ओवैसी विकल्प बन गए, वक्त बताएगा, अभी हम नहीं बता सकते उसके बारे में। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जैसे कांग्रेस कहती है कि हमको तो यहाँ से जीत जाएंगे, अब यहाँ पर ये जो आबादी है मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कितना? 18% उत्तर नागपुर में 18% है, जिसमें से एक विधायक मुस्लिम आ सकता आराम से। सबसे ज्यादा आबादी मुझे लगता है नागपुर में उत्तर विधानसभा में मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा, ये प्रभाग है सबसे ज्यादा वोटिंग यही है मुस्लिम का। एक विधायक बना सकता है आराम से, क्यों मतलब नहीं बना पा रहे हैं? कल तक का समझ नहीं थी, अब समझ आ रही है धीरे धीरे, कल तक बटे हुए थे, कल तक का समझ नहीं तक बटे थे, अब अकल आ रही है तो आप जरा आगे सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा मतलब कल तक बटे थे, अब आप लोग एक हो गए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, एक पार्टी को आप चुन रहे हैं, मतलब उल्टे को चुनेंगे। अच्छा 5 साल बीत गया है सरकार को, अभी तक तो मुझे लगता है सिर्फ खरीद फरोख ही चल रहा था, कभी ये विधायक को खरीद रहे थे, कभी वो विधायक ये खरीद रहे थे, यही चल रहा था। बरेली का झुमका शायद गिरने में इतना बदनाम नहीं हुआ जितना यहाँ के विधायक बिकने में बदनाम हो गए। अब बोलना तो क्या बोलना उनके बारे में, तो आप तो खुद ही समझदार हो। क्या कह रहे हैं? मांगने वाला भी तो अपना जमीन नहीं बेचता, लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपना जमीन बेच दी, जमीन पूरा बेच डाले, बेच दिए। मांगने वाला भी अपना जमीन नहीं बेचता, लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपना जमीन बेच दी। पहले राजनीति होती थी विकास के नाम पर, काम कराना चाहिए, नालियां, गड्ढा, रोड, सड़कें, इलेक्ट्रिक बिल, इस पर बात होती थी। अब तो डरा के कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, सिर्फ धंधा बना लिए, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया राजनीति, जिसको कुछ नहीं आता वो राजनीति में घुस के पैसा कमाता है। अच्छा अभी तक आपके बीच में कोई ऐसा है जो डराने आया हो कि भैया फलाने पार्टी को चो? डराने वाला कोई नहीं आया, लेकिन जो हिसाब से मेरी बात आप पहले सुनिए, मेरा सवाल क्या है, कोई ऐसा आया आपके बीच में जो कह रहा हो
कि ऐसा है बीजेपी को रोकना है तो फला पार्टी को जिताना पड़ेगा, नहीं बीजेपी आ जाएगी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने मन बना लिया है इस बार एक वोट एक जगह पर? अब ऐसा तो बता नहीं सकते, कैसा वोट अगर सबको बता के अगर से डालेंगे तो फिर मतलब ही क्या रह गया वो बूथ बना के वहाँ पे वोटिंग करने का। हाँ बात तो सही है, लेकिन बटोगे कटोगे का नारा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन हर बातें बताए बता के नहीं की जाए। है मन में आपके भी है, मन में साहब आपके भी है, मन में आपके भी है। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीजों को मन में। ये तो भाई साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं MIM को ही चुनेंगे हम, है ना? इधर आओ जवाब दो। MIM को चुनने का काम है, मतलब डायरेक्ट आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आप इधर उधर की बात करने का ही काम नहीं है। कारवा किसने लूटा बाद में ये सब बात नहीं करना है, नहीं करना है ना। ठीक है,